مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ما سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू वजीहास कुकिंग वी लॉगिंग कैसे हैं आप सब ठीक ठाक फिट पाट मज़े में मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ तो आज जो है ना मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करिएगा आज जो मेरी रेसिपी ऑफ द डे है ना वो है ब्रेड रोल और उसके लिए मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ इतने कम इंग्रीडेंट्स में इतना अच्छा आपका ये एक स्नैक बन के तैयार हो जाएगा और इसमें बहुत ही कम चीज़ें जाती हैं जो लोग परेशान होते हैं ना महंगाई से कि ये लोग तो बस वीडियोस में बहुत अच्छे खाने बना लेते हैं खा लेते हैं अफोर्ड कर सकते हैं हम कैसे करेंगे यकीन करें सिर्फ़ रात की अगले दिन की बची हुई ब्रेड जो कि बच्चों के लिए सुबह नाश्ते में आ रही जाहिर है अब दो ही बच्चे खा रहे हैं तो बहुत तो बच रही थी बहुत ज़्यादा तो अचानक मैंने प्लान किया कि चलो हम ये बना लेते हैं फिर जो है ना इसमें सिर्फ मैंने समझ लें आधा कप गाजर कटी हुई थी फ्रोजन मैंने सब काट के रखा हुआ है बंद गोभी थोड़ी सी ले ली और एक जो है ना शिमला मिर्च अच्छा एक शिमला मिर्च मैंने मैकरोनी में भी डाली और एक ही में से मैंने इसमें भी डाली क्योंकि ब्रेड में बहुत थोड़ी सी स्टफिंग जाती है और दो बोटियाँ बॉईल कर लीं चिकन की उसको श्रेड कर लिया और उसको आपने शुरू में देखा मैंने फ्राई कर रहा था बस सब्ज़ी को और इस तरह से ब्रेड का शेप दे लेंगे पूरे कॉर्नर्स पहले जो है ना वेट करेंगे अच्छे से पानी के साथ और फिर उसको ना प्रेस कर करके बंद करेंगे एक्सेस पानी इसमें से गिरेगा तो वो अच्छी बात है गिरे कोई मसला नहीं है ये देखें ये थोड़ी सी बासी ब्रेड है ना मैंने कहा ना ये बची हुई ब्रेड है तो इसलिए इसमें जो है ना थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही थी बिल्कुल फ्रेश ब्रेड होती तो बहुत ईजी बंद हो जाता तो भाई फिर जो है ना यहाँ पे जो है ना ये इतनी थोड़ी सी स्टफिंग है इससे मेरे सेवन ब्रेड रोल तैयार हो गए थे और इसके ऊपर मैंने स्लरी लगाई थी मैदे की आप चाहें तो यहाँ पर ना अंडा भी ले सकते हैं और ब्रेड से बना के फ्रिज में रखे हुए मैं, मैं जैसी ब्रेड इस तरीके की बचती रहती है तो मैं ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ तो वो देखिए पहले स्लरी में डिप करा और फिर जो है ना ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करिए और उसको फ्राई कर लेंगे और ये टूट रहा था तो कोई मसला नहीं है इसको दोबारा से बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा हाँ एक चीज़ का बहुत आपको एहतियात करनी है कि एक तो इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते मैं तो फ्रीज नहीं कर सी अगर करती अगर किसी ने फ्रीज़ करने वाला एक्सपेरिमेंट करा हुआ है ना अपने घर में तो मुझसे शेयर ज़रूर करिएगा क्या इसको हम फ्रीज़ करेंगे जब हम इसको फ्राई करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा और दूसरी बात हाँ ये कर लें कि एक दिन के लिए नीचे वाले फ्रिज में रख लें फ्रीज़र में ना रखें फ्रिज में रख लें अगले दिन जस्ट फ्राई करना होगा ठीक है और अंडा दूसरी बात ये दूसरा ऑप्शन आपके पास एग भी है एग में भी उसको डिप करके ब्रेड क्रम्स की को कोटिंग कर सकते हैं लेकिन बस जितना ख़र्चा बचा सकते हैं बचाएं मैदा सस्ता पड़ रहा है मैदा होता भी है घरों में तो मैदे की कोटिंग करें हाई फ्लेम पे फ्राई करिएगा हाई हीट होनी चाहिए आ, उसमें ऑयल में तो ही अच्छे फ्राई होंगे आपने देखा होगा मेकरोनीस भी मैंने बनाई हुई थी ना तो वही सब्जियां वब्जियाँ बस एक साथ ही लेके रख लें और थोड़ी थोड़ी हर चीज़ में डालते रहें ये देख सकते हैं आज एक इत, सोए इतफाक़ अलहमदिल्ला माशा गैस तेज़ आ रही थी मैं यही सोच रही थी अगर गैस कम हुई ना तो मैं इसे फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि अगर कम आँच पे इसको फ्राई करेंगे ना ये सारा तेल अपने अंदर जब्स कर लेती हैं क्योंकि ब्रेड है ना तो इसीलिए मैंने सोचा था अगर ऐसा कोई सीन हुआ ना तो मैं भले रोजे के बाद फ्राई कर लूँगी लेकिन मैं इसको फिर फ्राई नहीं करूँगी और अल्लाह ताला ने सुन ली आज गैस बहुत अच्छी आई अल्लाह का शुगर है इतनी हाई फ्लेम पे जल्दी जल्दी फ्राई हो जाते हैं फ्राई होने में इनमें टाइम नहीं लगता जस्ट इसको कलर देना है आप लोगों ने और इतने बड़े फूल गए ना ब्रेड थी ना वो दोबारा फूल गई पहले हमने उसको पानी डाल के सकेड़ दिया <laughs> सुड़ दिया मीनस उसको पतला कर दिया नरम कर दिया और उसके बाद उसको फ्राई कर लिया और अगर आप इसके आपके पास मोजरेला चेडर चीज़ या पिज्ज़ा चीज़ भी है ना वो भी अगर इसमें बीच में डालेंगे ना फिर जब आप बाइट लेंगे और वो तोड़ते हुए एक पूरा धागा सा जा रहा होगा इतना मज़े का लगेगा और खाली चिकन के कीमे से भी बना सकते हैं स्टफिंग तो आपकी अपनी मर्जी आप जितनी चाहें इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं अपने हिसाब से और बना सकते हैं लेकिन ये एक बेहतरीन स्नैक है बच्चे बड़े बूढ़े सबको पसंद आएगा ये तो देख सकते हैं यहाँ कितने बड़े लग रहे हैं ना एक बंदा खा ले तो मतलब अच्छा खासा उसका आ, पेट भर जाएगा और मैंने आज ही के आज ही पूरे सेवन के सेवन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम स्टफिंग में मतलब सेवन बन जाएंगे मेरा ख्याल था कि फ़ोर बनेंगे लेकिन वो इतनी बरकत हो गई और इतना अच्छा सारा सा आ, बन गया था और आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि मैं और क्या क्या नई नई चीज़ें बना सकती हूँ थोड़े से आइडियाज़ शेयर करें मेरे साथ और ये अलहमदिल्ला हमारा दस्तरखान हमारा टेबल और वही हमेशा की तरह पकौड़े और आज क्रीम चार्ट बनाई थी क्रीम चार्ट समझो अब बनी है रोजों में चौथे रोजे को ना और ये हमारे ब्रेड रोड का फाइनल लुक है और जो है ना मैक्रोनीस भी आज बहुत अच्छी बनी थी आज थोड़ी डिफरेंट इसलिए थी कि मैंने ब्लैक पेपर घर का पिसा हुआ डाला था यानी काली मिर्चों का दर्दरा सा पाउडर सा डाला था तो वो बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा था उससे तो ये है जी मेरी प्लेट मैंने सोचा जब मैंने इतनी मेहनत करी तो मैं आपको जब रोज़ा खुलेगा तो खा कर भी दिखाऊँगी जैस का इनसाइड लुक देखिएगा और अगर इसमें चीज़ भी दिख रही होती ना तो ओए इतना मज़ा आ जाना था और चीज़ ना डालें ना तो मेयोनीज़ वग़ैरह होती है घर में आप वो भी डाल सकते हैं अच्छा मेरा फुल आइडिया था कि मैं मेयोनीज डालूँगी पर इतफाक़ कुछ ऐसा हो गया वो जब रोज़ा का टाइम हो रहा था एक साथ इतनी सारी चीज़ें करनी होती हैं तो मैं कर नहीं पाई प्लीज़ लाइक करके जाइएगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़